डियर सब्सक्राइबर्स एंड विजिटर्स, वेलकम टू चैनल द फैशन आर्ट एंड डिजाइनिंग। आज के इस वीडियो में हम स्पेशल समझेंगे, यहाँ पर ये जो हमने ये टूल्स रखे हैं वो है स्केल, जो हमने इसका आविष्कार किया है। तो ये जो स्केल है उसको कैसे यूज़ करना है वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये स्केल का यूज समझेंगे। तो ये जो स्केल है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि स्लीव आर्मोल शेप, यानी स्लीव का यहाँ पर जो आर्मल होता है, यहाँ पर सबको बहुत दिक्कत होती है। जो बिगिनर्स लोग रहते हैं खास करके, उन लोगों को यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। यहाँ का जो नाप है वो कैसे लिया है उसके लिए तो हमारा स्लीव का वीडियो अपलोड हो चुका है, और वैसे भी आपका जो भी नाप है वो आप यहाँ पर रखिए। हमें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चाहिए इसका शेप कैसे लेना है वो जानकारी। दूसरी बात, ये जो स्केल है उसमें एक और चीज़ बनेगा, जैसे राउंड नेक, गोल गला बनेगा। और यहाँ पर तीसरा इसका ऑप्शन है कि यहाँ पर बंद नेक और स्टैंड नेक का जो आर्मोल होता है, आर्मोल राउंड, वो भी इसमें आसानी से बनता है। और साथ साथ में राउंड बोट नेक, यानी बोट नेक जो बनेगा एकदम राउंड वाला बोट नेक चाहिए, तो वो भी शेप इसमें आसानी से आप बना सकते हैं। ये इसका मल्टी यूज़ है, दिखने में ये बहुत साधारण है लेकिन इसका यूज बहुत अच्छा है। इसका हमने बहुत अच्छा प्रयोग किया है और कई सारे स्टूडेंट ने इसका यूज़ किया है और इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। और इसकी कीमत भी बहुत ही सस्ती है। इसकी कीमत के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना रहेगा। तो यहाँ पर देखें तो इसका जो शेप है ये एकदम बढ़िया अपने आप बन जाएगा। और इसका दूसरा फायदा ये है कि आप कितनी भी बार स्लीव कटिंग करेंगे, एक ही कस्टमर का, मान लो कि ये एक कस्टमर का स्लीव कटिंग किया, अब इसका दूसरा पीस है तो सेम वही शेप आप स्लीव का ये इसके मदद से आप काट पाएंगे और एक जैसा शेप हमेशा बनेगा। जो हम हाथों से शेप देते तो कई बार क्या होता है कि इधर उधर घूमता रहता है, तो यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल नहीं होगा। जैसे आज ये कस्टमर ने स्टिच कराया, अब 5 दिन बाद आएगा, 1 महीने बाद आएगा या 3 महीने बाद आएगा या कभी भी आएगा, उसका जो स्लीव का शेप है हमेशा एक जैसा आप बना पाएंगे और ये बहुत इसका बढ़िया यूज होगा। तो चलते हैं हम इसको काटते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ पर देखिए इसका जो शेप है कितना एकदम अच्छे से आसानी से यहाँ पर बैठ गया है। यहाँ पर देखिए इसका जो शेप है वो यहाँ पर मिल गया। तो इस तरह से आप ये जो स्लीव कटिंग का ये जो शेप हमने स्पेशली बनाया है इसका आप यूज कर सकते हैं। वैसे ही हम दूसरे में भी बताते हैं। अब यहाँ पर वापस आप स्केल ले लीजिए और जहाँ पर ये पॉइंट है बाहर वाला, तो यहाँ पर आपको मार्कर स्केल को रख देना है और सीधा यहाँ पर आपको शेप देना है। अब जैसे ये शेप हो गया, अब आपको यहाँ पर दूसरा शेप देना है, यहाँ पे टच कर देना है। आपको जैसा शेप चाहिए आप अपनी पसंद के हिसाब से गहरा कम जो भी शेप चाहिए आप ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये शेप बन गया, एकदम बढ़िया सा शेप यहाँ पे बनता है। हेल्दी बॉडी में यहाँ पर ये पार्ट जो होता है इतना सीधा होना जरूरी है ताकि उसको फिटिंग अच्छे से बैठता है। तो यहाँ पर ये भी हम आपको काट के समझाते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो इसका जो शेप है एकदम बढ़िया से यहाँ पे कट जाएगा। आपको जरा सा भी परेशानी नहीं होगी कि जैसे हम हाथों से ड्राइंग करते हैं तो कई बार
एक बार बनाया, दूसरी बार बनाया, कई बार कम ज़्यादा होता है। एक ही कस्टमर का होता है, हम एक पीस कटिंग करते हैं, चलो अच्छा बन गया, दूसरे पीस में फिर कोई गारंटी नहीं कि वही सेम शेप आएगा। हाँ, एक चीज़ है कि जैसे एक स्लीव कटिंग किया, फिर आपको दूसरा ड्रेस बनाना है, उसका स्लीव कटिंग किया, तो ये पीस आप थाप के उसके ऊपर रख के फिर आप एक जैसा काट सकते हैं, वो बराबर है। लेकिन अगर जैसे कपड़ा, जैसे ये कॉटन है, अगर कई बार क्रेप कपड़ा होता है, जॉर्जेट कपड़ा होता है, या नेट का कपड़ा होता है, तो फिर आप उसको एक बार उठा लेंगे तो क्या हो, उसका शेप बिल्कुल घूम जाएगा, इसलिए वो चीज़ आप थाप नहीं सकते। तो यहाँ पर ये स्केल की मदद से, चाहे जॉर्जेट का पीस हो, चाहे क्रेप हो, चाहे साटिन हो, चाहे कोई भी लचक कपड़ा हो, आप बिल्कुल आसानी से यहाँ पर इसका शेप देके आप कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम अगला देखते हैं। यहाँ पर ये छोटा नाप है। अब इसके बाद यहाँ का जो नाप है, जैसे 3 है, 2 है, 2.5 है, 4 है, 3.5 है, जो भी आपको रखना है, हमें तो सिर्फ यहाँ पर इसका शेप देखना है। तो जैसे यहाँ पॉइंट है, वहाँ से आपको ये स्केल रख देना है। अब जैसे ये घुमाया, अब उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी शेप देना है, तो देखिए जितना भी आपको खाट देना है, जितना भी कम देना है, ज़्यादा देना है, वो आप अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका ये शेप बिल्कुल आसानी से बन गया। अब जैसे ये आपको ये चीज़ अगर आपको ज़्यादा लग रहा है, तो ये भी आप कम कर सकते हैं, जैसे शेप घुमा के देखिए। अब देखिए तो एकदम अंदर वाला जो शेप है, एकदम बढ़िया दिखता है। तो यहाँ पर यही ये स्केल की करामत है, तो इससे आपका जो शेप है हमेशा एक ही जैसा बना रहेगा। अब इसको भी हम काटते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कितना कितना आसान हो जाता है यहाँ पर ये शेप कटिंग करने का। जैसे इसको मछली भी बोलते हैं, कोई मछली शेप, यहाँ पर स्लीव में जो ये शेप होता है। कई बार जो बिगिनर्स लोग रहते हैं, इसको सीखने में काफ़ी सारा दिन लग जाता है, जिसको आ गया एक दो दिन में सीख जाते हैं, लेकिन जिसको समझ में नहीं आता, तो 5-5, 6-6 दिन, 1-1 हफ्ते तक ये शेप सीख नहीं पाते हैं। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही आसान रहेगा। हम खुद भी इसका यूज करते हैं, लेकिन ये हमने शेप पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमें एक बार ये कटिंग आ गया स्लीव का, तब हमने इसको इतना ज़रूरी नहीं माना कि चलो ये शेप हम यूज करें, क्योंकि अब तो जैसे हमें आदत हो गई होती है, तो हमारी कैंची उस हिसाब से चल जाती है। लेकिन इसमें ये दूसरी चीज़ ये भी है कि इसकी आदत हमें रहेगी नहीं। जैसे आपको ऐसा सोचोगे कि ये जो स्केल होगी तो हम काट पाएंगे, नहीं होगी तो कैसे काटेंगे, तो इसका बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जैसे आप रोज़ जैसे स्केल से यहाँ पर मार्क करेंगे, फिर आगे का हाला का मार्क करेंगे, जो गारन कटिंग करना है, तो यहाँ पर धीरे धीरे फिर आपके पास अगर स्केल नहीं भी है, तो भी आपको ये जो शेप है, जैसे आपकी हर रोज़ कैंची चलेगी, फिर एक न एक दिन आपको ये शेप अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा और आपके हाथ में भी बैठ जाएगा, शेप भी अपने से अच्छा बनेगा। और वैसे भी फिर भी अगर वैसे भी कोई आपको ये शेप से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसका दूसरा भी एक रीज़न है कि यहाँ पर हम इसमें राउंड नेक भी काट पाएंगे, वो भी हम देखेंगे। अब फिलहाल हम एक और भी स्लीव यहाँ पर कटिंग करके आपको समझाते हैं, जो यहाँ पर इसका और भी छोटा नाप है। तो यहाँ पर देखिए ये 2.5 इंच है। अब यहाँ पर स्केल को लीजिए, आपको जो भी शेप देना है यहाँ पर आप देखिए। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार आप यहाँ पे कोना उठाएं, ये तो आपको कैसा शेप देना है ये आप खुद डिसाइड कर पाएंगे, बहुत आसान है। जैसे हम यहाँ पर छोटा नाप है, तो यहाँ पर हमें उस हिसाब से इसका शेप लेना है। अब देखिए ये हो गया बैक वाला शेप, अब यहाँ पर हम फ्रंट वाला शेप करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका शेप अपने आप यहाँ पर बन जाता है, इसको भी हम काट के आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये स्केल से हमने जो शेप दिया, बहुत अच्छी तरह से ये फटाफट कटिंग हो गया है। तो यहाँ पर यही इसकी करामत है। अब हम जानेंगे इसका और भी आगे का, यही स्केल से ये राउंड नेक हम कैसे कटिंग करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, वो हम समझेंगे
तो आप वीडियो को जारी रखिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक ड्रॉ करके पहले से रखा है, क्योंकि हमें तो सिर्फ और सिर्फ इसका शेप समझना है। अब यहाँ पर हमें राउंड नेक करना है, तो यहाँ पर देखिए, और उसके बाद यहाँ पर हमें कैसा भी गला बनाना है, जैसे सीधा इसको घुमाया तो एकदम यहाँ पर गोल अपने आप बन जाएगा। वैसे आपको और बाहर से चाहिए तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर पहले आप क्रॉस कर दीजिए यहाँ से आधा इंच, जैसे हम कटोरी ब्लाउज में बनाते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, जब भी गोल हो तब यहाँ से पॉइंट से आधा इंच आपको ये सीधा हमेशा चाहिए होता है। अब उसके बाद यहाँ से हम शेप लेंगे, तो जहाँ पर ये जो मार्क किया है वहीं पर आपको ये मिला देना है। देखिए इसकी गोलाई देखिए एकदम परफेक्ट बन जाएगी, आपको कभी भी आड़ी टेढ़ी गोलाई बिल्कुल नहीं बनेगी इसका, ये बहुत ही अच्छा यूज है। और उसी हिसाब से अगर आपको जैसे बड़ा गला बनाना है, यहाँ पर देखिए कितना भी अगर बड़ा गला बनाना है, जैसे यहाँ पर इसका गला जो है 10 इंच है, तब इसका जो शेप है वो क्रॉस गया है, तो यहाँ पर देखिए, तो स्केल को आप रख दीजिए और सीधा यहाँ पर मार्क कर दीजिए, तो ये सीधा गोल गला बन जाएगा और एकदम अच्छे से शेप बनेगा। ऐसा नहीं कि ये पतला शेप है, आप जैसे और भी बड़ा शेप है, ये बड़ा गला है, इतना चौड़ाई में है, तो भी यहाँ पर आप स्केल को रख दीजिए और यहाँ पर देखिए, तो इसका जो शेप है एकदम गोल गला अपने से बैठ जाएगा। तो ये स्केल से ये दूसरा चीज़ हमने सीखा है। अब यहाँ पर एक तीसरा भी एक चीज़ है, बनने और स्टैंडने का आर्म राउंड, इसमें कैसे किया जाता है वो भी हम साथ साथ में समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये मैंने एक बंद नेक ब्लाउज का, जैसे यहाँ पर देखिए ये बंद नेक कटोरी ब्लाउज का एक शेप दिया है, तो इसके बारे में तो हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर इसका जो आर्मल का शेप है वो कैसे देना है वो हमें समझना है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ वही ध्यान देना है। तो जहाँ पर ये मैंने थोड़ा बहुत जो आपको ये ड्रॉइंग दिख रहा है, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने रखा है, तो बंद नेक में क्या होता है कि बंद नेक में जैसे यहाँ पर जो शोल्डर का नाप होता है, उसके बाद हमें यहाँ पर 1.25 अंदर जाना होता है, जैसे हमने हमारे वीडियो में स्टैंड नेक कुर्ती बंद नेक कुर्ती में जो अपलोड किया है, सेम प्रोसेस रहेगी, सिर्फ आर्मोल ऊंचाई में उसका तरीका अलग रहता है। बाकी इसको कैसे नापना है उसका जो भी तरीका है, ये हमें आर्मोल चार्ट के हिसाब से सब नापना होता है, वो भी हम समझेंगे इसका जो वीडियो ज़रूर आएगा, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर आर्मोल का शेप समझना है, तो वो हम समझते हैं। तो स्टैंड शोल्डर यहाँ पर जो नाप होता है शोल्डर का नाप, उसके बाद यहाँ पर हमें 1.25 यहाँ पर अंदर जाना होता है, और उसके बाद यहाँ पर स्केल से ये सीधा मार्क कर देना होता है। ये पीछे का शोल्डर का नाप है, तो यहाँ पर आपको ये स्केल से तुरंत ही इस तरह से यहाँ पे गोलाई दे देना है, तो यहाँ पर देखिए एकदम परफेक्ट गोलाई यहाँ पे बन जाएगी। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हमें आगे की गोलाई देनी है, तो कैसे करना है, आपको यहाँ पर 1 इंच पकड़ लेना है और ये कोने में आपको यहाँ पर ये मार्क कर देना है। अब जैसे यहाँ पर 1 इंच का ये मार्क हो गया है, तो आप देखिए इस स्केल को पूरा सीधा मत नहीं रखना है, देखिए अगर यहाँ ये कोने से ये कोने तक हम रख देंगे तो इसका शेप नहीं मिलेगा, इसका शेप हमें कैसे लेना है हमें सिर्फ वही समझना है, ये बन नेक और स्टैंड नेक में ये काम आएगा। इसलिए यहाँ पर जहाँ जहाँ क्या क्या कौन सी चीज़ कहाँ हमें मापनी है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पर लिख के रखा है कि यहाँ पर अब हम ये चीज़ माप रहे हैं, तो ये बन नेक और स्टैंड नेक का आर्मोर राउंड माप रहे हैं, और जैसे हमने गले का नाप लिया था तब यहाँ पर हमने वो भी लिखा था कि यहाँ पर ये राउंड नेक यानी गोल गला हम माप रहे हैं, जब स्लीव का हम शेप माप रहे थे तब हमने ये भी लिखा है कि यहाँ से स्लीव का आर्मोर शेप हमें लेना है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर इसका शेप समझते हैं। अब यहाँ से लेकर अब जैसे यहाँ पर ये जो 1 इंच वाला माप है वहाँ पर आपको इस स्केल को ऐसे गोलाई देना है। अब जैसे यहाँ पर ख़त्म हुई ठीक उसी तरह से वापस स्केल को घुमा देना है और यहाँ से वापस शेप ले लेना है, तो इसकी जो गोलाई है वो एकदम अच्छे से परफेक्ट शेप बन जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हमें जो आर्मोर मापना है वो क्या मापाना चाहिए वो तो हम अपने वीडियो में ज़रूर समझेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ शेप की बात करें। ठीक उसी तरह यहाँ पर हम आपको दूसरा माप समझाते हैं, तो यहाँ पर ये है स्टैंड नेक कटोरी यानी स्टैंड नेक वाला कटोरी वाला ब्लाउज का जो शेप है वो, तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे जो शोल्डर का माप होता है
वो सब कैसे लेना है वो उसके लिए तो हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर इसका शेप समझना है। अब यहाँ पर देखिए तो ये बैक वाला जो नाप है वो आप हाथों से भी कर सकते हैं, अगर स्केल से भी करना है तो यहाँ पर आपको इस तरह से स्केल को भी साथ साथ में गोलाई घुमाते जाना होता है, तो यहाँ पर इसका राउंड होता है। अब इसके बाद ठीक वही प्रोसेस रहेगी जो बर्ड नेक में है, जैसे यहाँ पर ये कोना होता है वहाँ पर आपको एक इंच पकड़ लेना है और यही कोने में यहाँ पर आपको एक इंच का ये क्रॉस में एक निशान लगा देना है। इसका मतलब है कि इसका जो आर्मर राउंड का जो शेप आएगा इसके अंदर नहीं आना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पर ये स्केल हमने रख दिया, यहाँ पर एक इंच से ये हमें मिला देना है। जैसे ये हमने मिला दिया, अब उसके बाद यहाँ से जैसे स्टार्ट हुआ है तो अब ये वाला माप कैसे रखना है, जैसे ये 2.25 बच्चा है तो यहाँ पर आपको 2.25 यानी 2.25 यहाँ पर रख देना है और बाकी का जो शेप है वो यहाँ पर आपको मिला देना है। तो इस तरह से आप गोलाई करोगे तो यहाँ पर इसका गोलाई का शेप अपने आप मिल जाएगा और एकदम बढ़िया से इसका शेप मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इसका माप हुआ है। अब हमें चौथा नाप चाहिए राउंड बोट नेक, तो यहाँ पर इसका माप कैसे करना है वो भी हम साथ साथ में समझ लेते हैं। और यहाँ पर हम आपको एक चीज़ ये समझा देते कि कभी भी कोई भी हमें बोट नेक बनाना है तो बोट नेक वाला हमेशा बर्ड नेक में ही उसका कटिंग होगा। तो बोट नेक का मतलब होता है कि यहाँ पर इसका जो शोल्डर होता है, जैसे यहाँ पर ये कटिंग करना है तो इसका शोल्डर होता है ये दबाव गया आधा इंच का यहाँ पे दबाव गया और उसके बाद हमें जो शोल्डर होता है बोट नेक का शोल्डर होता है हमेशा 1.5 से 2 इंच तक का शोल्डर रेडी होता है। फिर आप आधा इंच का रखें, पौना इंच का रखें, 1 इंच का रखें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच तक का गला शोल्डर उसका रेडी रहता है। तो ये दबाव गया, यहाँ पर हम 1.5 इंच उसका एक रेगुलर मेजर होता है बोट नेक का कि उसका जो शोल्डर होता है हमेशा 1.5 इंच रेडी रहता है। तो 1.5 इंच रेडी तो हमें कटिंग करना होता है यहाँ से 0.25 अंदर से, यानी इसका मतलब है हम यहाँ से कटिंग करेंगे। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि बोट नेक में यहाँ जो सीधा माप होता है, यहाँ पर आप देखें ये जो सीधा माप होता है जो शोल्डर कटिंग करने वाला जो माप होता है वहाँ से हमें 3 इंच का एक माप होता है, इसका जनरली माप है। जनरली यानी आप समझो कि इसका रेगुलर माप, तो ये यहाँ पर हमने रखा है। इसके बारे में बोटने के बाद डिटेल में हम जरूर समझेंगे, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर इसका शेप कैसे लेना है वो हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 इंच पे हमने ये मार्क कर दिया। अब जैसे 3 इंच पे माप कर दिया तब यहाँ पर स्केल को आपको यहाँ से रख देना है जहाँ से कटिंग करना है। अब यहाँ से सीधा आप माप कर दीजिए, तो इसको बोलते हैं राउंड बोटनेक। इस तरह का भी बोटनेक आता है, स्क्वायर बोटनेक भी आता है, जहाँ से यहाँ से ये चौरस रहता है एकदम स्क्वायर रहता है उसको स्क्वायर बोटनेक भी बोलते हैं और इसको राउंड बोटनेक बोलते हैं। अब इससे भी अगर आपको बोटनेक का और शेप चाहिए तो यहाँ पर देखिए ये दूसरी स्केल के आधार से यहाँ पर मिलेगा, जिसे यहाँ पर मैंने लिखा है रेगुलर बोटनेक। तो रेगुलर बोटनेक आप यहाँ पर स्केल रखोगे और यहाँ से गले से मिलाओगे, जब आप यहाँ पर मार्क करोगे तो यहाँ पर देखिए तो ये हो गया रेगुलर बोटनेक। अगर आपको और भी ऊंचा बोटनेक चाहिए तो वो भी यही स्केल के हिसाब से हम जरूर बना पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर भी मैंने लिखा है अपर बोटनेक, यानी एकदम ऊपर वाला बोटनेक। अगर वो भी आपको लेना है तो उसके पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ ये करना होगा, जहाँ से ये गला होगा फोल्ड पार्ट है वहाँ पर सबसे पहले आप आधा इंच का एक निशान कर दीजिए। ये जैसे निशान हो गया उसके बाद यहाँ शोल्डर से जहाँ से ये कटिंग करना है वहाँ पर इसका शेप मिला दीजिए और यहाँ पर ये कोने तक। अब यहाँ से आप मार्क करोगे तो इसको बोलते हैं अपर बोटनेक, एकदम ऊंचा बोटनेक उसका शेप होता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बोटनेक कटिंग होता है वो होता है रेगुलर बोटनेक। तो इसका शेप भी हमने साथ साथ में यहाँ पर सोच समझ के बनाया है और साथ साथ में यही स्केल से हम डीप नेक ब्लाउज आर्मर राउंड और कटोरी का शेप और साथ साथ में हम प्रिंसेस का शेप ये भी हम दे सकते हैं। तो ये स्केल का यूज़ हमें कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। फिलहाल हमने ये वीडियो में आपको ये वाली स्केल से आपको कैसे सब नाप लेना है और किस तरह से आप इसमें आसानी से समझ सकते हैं वो हमने आपको समझाया है। तो यहाँ पर इसकी क्या प्राइस है उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हमें
डिस्प्ले में दिया गया व्हाट्सएप नंबर पे ही आपको मैसेज करना है। आप कोई भी स्टेट में आपको कुरियर कर दिया जाएगा, जो भी बात होगी वो सिर्फ और सिर्फ मैसेज में होगी। तो यहाँ पर ही आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये नई वाली स्केल का यूज़ कैसे करना है उसके साथ। तो यहाँ पर आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज का आपका दिन शुभ रहे।